प्रधान, भारत के नए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, भारत के नए कानून मंत्री किरण रिजिजू, भारत के नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, भारत के नए नागरिक और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, भारत के नए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, भारत के नए जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्वानंद सोनेवाल, गृह मंत्री अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय की भी जिम्मेवारी सौंपी गई, पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री, स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री, नितिन जयराम गडकरी भारत सरकार में सड़क परिवहन और जल राज मंत्री होंगे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, मनसुख मांडविया बने देश के नए स्वास्थ्य मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान नए शिक्षा मंत्री बनाए गए, हरदीप सिंह पुरी का हुआ प्रमोशन, मिला कैबिनेट रैंक का दर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्री बनाए गए, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, अश्विनी वैष्णव को मिला रेलवे और आईटी मंत्रालय, अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री, अनुराग ठाकुर को मिली सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेवारी, अनुप्रिया पटेल को राज्य मंत्री के तौर पर वाणिज्य मंत्रालय दिया गया, भूपेंद्र यादव को केंद्रीय श्रम मंत्री बनाया गया, इसके साथ ही इन्हें पर्यावरण मंत्रालय का भी जिम्मा सौंपा गया, पशुपति पारस को मिली मोदी कैबिनेट में जगह, बनाए गए खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री, किरण रिजिजू देश के नए कानून मंत्री,